एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक होगा जिम करने से पहले डू और डोंट्स। यस, जिम अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करना शुरू कर रहे हो, अपने बॉडी पे ध्यान देना आप शुरू कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, या फिर आपने न्यूली अपना बच्चे को डिलीवर करा है तो आप अभी चाहते हो वर्कआउट स्टार्ट करना, तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बट हम उन पर चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। सो ये पाँच टॉपिक हैं, पाँच पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सो फर्स्ट, हमें ये दिमाग में लेके नहीं जाना कि हमें सिर्फ अपना पेट ही अंदर करना है। यस, गर्ल्स में होता है कि हाँ, हमें बिल्कुल स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए, बिल्कुल पेट ऐसे हो जाए जैसे बीच में चला जाए। सो ऐसा नहीं है, हमें अपनी ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, हम क्रंचेस भी करेंगे, वेट से रिलेटेड, एब्स से रिलेटेड, लव हैंडल से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे, बट उसके लिए हमें ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। हमें अकेला यहाँ पे फोकस नहीं करना, हमें पूरी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से एक बॉडी और एब्स, जो भी आप कह सकते हो, बैक है, किसी की बैक पे फैट होती है, किसी की आर्म्स में होती है, किसी की थाई पे होती है, किसी की चेस्ट पे होती है, किसी के फेस पे ओवरऑल फैट। मेरा ऐसा है कि मेरे ओवरऑल बॉडी पे ही फैट आता है। सो मैं अगर सोचूं कि मेरे को सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पार्ट को लेके करना है, सो ऐसा नहीं है, हमें अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी हम अपना जो भी जैसी भी हम बॉडी चाहते हैं वो हम ले पाएंगे। सो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि हमें वर्कआउट करने टाइम, जैसे हमने, जैसे हम मंडे से सैटरडे कर रहे हो, कई तो पूरा वीक करते हैं, अच्छी बात है। मैं मंडे टू सैटरडे करती हूँ, संडे मैं अपनी आप को रेस्ट देती हूँ। सो आपने जितने भी डेज हैं उनको एक्सरसाइज में आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे आज आप सोच रहे हो कि आज मैं अपना चेस्ट करूँगी, आज बैक करूँगी, आज एब्स है, आज थाई, आज लेग एक्सरसाइज है, आप इसमें डिवाइड कर लीजिए। इसमें आपको क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा आज मेरा वर्कआउट, आज मेरा लेग वर्कआउट है। मोस्टली लेग वर्कआउट लोग पसंद नहीं करते कि उसके बाद चला भी नहीं जाता है, ये बात सही है। सो मैं खुद पसंद करती हूँ, मैं फुल बॉडी वर्कआउट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो बट मैंने एक दिन रखा हुआ है, एक दिन मेरे को बैक करना है, एक दिन मेरे को अपने आर्म्स का करना है, एक दिन मेरे को एब्स का करना है, एक दिन मेरे को अपना थाई का करना है। सो आपको भी ऐसे अपने डेज को डिवाइड कर देना वर्कआउट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको एक मोटिवेशन देगा और आपको इंटरेस्टिंग बना के रखेगा, अपने वर्कआउट के साथ जोड़ के रखेगा कि आज मेरे को क्या करना, कल मेरे को क्या करना। सो हमारा सेकंड पॉइंट ये है। और थर्ड पॉइंट, इसी में से हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इसी में से निकल के आता है कि वर्कआउट में जैसे हमने डिवाइड करके रखा है कार्डियो, कार्डियो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपका, उससे बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है, स्वेटिंग बहुत आती है। सो आपको कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग होता है वेट ट्रेनिंग नहीं ज़रूरी, सो हमें कार्डियो ही करना है। कार्डियो करने से आपके वेट, जैसे आप 85 केजी के हो, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैं 85 केजी की थी अपना डिलीवरी के बाद, तो 85 केजी के जब मैंने वेट लूज़ करा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरी बॉडी लटक सी गई है, जैसे पाउच बन जाता है, ये चीज़ें ऐसे हो जाती है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे पूरा ऐसे आता था, यहाँ पे लटकता था ये चीज़ें। सो उस टाइम पे मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि आप मतलब वेट ट्रेनिंग करिए। वेट ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है और आपकी बॉडी टोन होती है। सो वेट मैं चाहती हूँ और मैं आपको ये बोल रिकमेंड करती हूँ कि आप अच्छे से डंबल्स में इन्वेस्ट करिए। डंबल्स आप मैं ये नहीं कहती सीधे आप 5 kg का ले लीजिए, 3 kg का, 4 नहीं, आप स्लोली उसको बढ़ाएं, मतलब जैसे आप यूज्ड हो जाए, जैसे आप जिम में भी जाते हो ना तो डंबल्स लगे होते हैं साइड पे, इतने केजी का, आप डायरेक्टली जाके बड़ा तो नहीं उठा लोगे ना, धीरे धीरे जाओगे ना, तो आप 1 kg पे इन्वेस्ट करिए, धीरे धीरे आप शुरू करो। और हफ्ते में मिनिमम दो दिन तो आपको वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। वेट ट्रेनिंग से क्या होगा, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि आपकी बॉडी टोन होगी उससे, और स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी बॉडी स्ट्रोंग होगी। सो वोमेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट ट्रेनिंग, आपकी बोन्स के लिए, आपकी बॉडी, ओवरऑल बॉडी के लिए। सो आप वर्कआउट में कार्डियो करिए, एब्स करिए, स्ट्रेचिंग करिए, जो मर्जी करिए, आप उसके साथ वेट ट्रेनिंग ज़रूर करिए। सो ये तो हमारा हुआ थर्ड पॉइंट। और हमारा अब फोर्थ पॉइंट ये होता है कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करें और वर्कआउट ख़त्म करने के बाद कूल डाउन करें।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस पर कोई ध्यान नहीं देता। आप सीधे जाके वर्कआउट, डम्बल उठाए, कार्डियो करा, ये करा, वो करा, नहीं, पहले आप करिए। और जिम जाने के मैंने देखा एक चीज़, जब मैंने नई नई जिम ज्वाइन करी थी, मैंने 1 महीना ही जिम करी थी, तो उसमें क्या हुआ था कि जब हम जाते हैं तो जो लेडीज़ होती है साइकिलिंग करने लग पड़ती है, ट्रेडमिल पे भागने लग पड़ती है। तब हम ट्रेनर ने बताया था कि आप 5 से 7 मिनट तक ट्रेडमिल करिए और क्या साइकिलिंग करिए, इससे ज़्यादा मत करिए, उसके बाद आप अपने वर्कआउट पे ध्यान दो। सो कूल डाउन और वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जिम में जाते पहले वार्म अप करें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एंड फिफ्थ टॉपिक आता है कि वर्कआउट से पहले क्या लें और वर्कआउट के बाद क्या लें। मोस्टली सभी का ये होता है कि यार हमें प्रोटीन नहीं, हमें डिब्बे नहीं खाने, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। जो चीज़ नहीं खानी है वो है टैबलेट। जो आप पतले होने के लिए टैबलेट खाते हो ना, जब छोड़ दोगे फिर क्या? सो टैबलेट्स नहीं खानी है। अमेजोन सभी साइट्स पे आपको टैबलेट्स मिलती है पतले होने के लिए, ये करना। आप जिम भी जाते हो ना, नो पेन नो गेन का लगा होता है ना। अगर आपको मेडिसिन खा के ही वेट लूज़ करना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं होगी उससे, तो ना स्ट्रेंथ मिलेगी आपकी बॉडी को, ना आप बॉडी शेप में आएगी। सो आपको अच्छे से वर्कआउट करना है, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। सो अगर आपकी हेल्थ होगी, आपको आप कुछ भी पहनो आप पे सूट करेगा, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी ऐसा हेल्दी खाओ, अगर हेल्दी खाओगे तो हेल्दी माइंड रहेगा, हेल्दी आपकी सोच रहेगी। सो बैक टू द टॉपिक, आपको एक्सरसाइज करने से पहले ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आप 1 रुपये का, आई थिंक 1 रुपये का सेशे आता है कॉफ़ी का, आपको उसको वार्म वाटर में डालना है, घुमाना और पी लेना है। उसको 15-10 मिनट बाद आप वर्कआउट स्टार्ट करें, उससे सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। उसमें कैफीन होती है जो बूस्ट करती है आपको, आपको आपको जैसे किकअप करती है, किसी को कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत होती है क्योंकि आप उससे अच्छा फील करते हो, उससे आप पे एक मोटिवेशन आती है, बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, आप में थोड़ी एनर्जी आ जाती है कि हाँ मैं अच्छे से वर्कआउट करूँगी। सो उसके बाद आप जैसे घर पे आते हो, अगर आप नॉनवेज ले लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेते हो जैसे नॉनवेज में आप एग ले सकते हो, एग भी अच्छा है, स्टीम चिकन ले सकते हो वो भी अच्छा है। सो मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं प्रॉपर वेजिटेरियन हूँ। तो वेजिटेरियन में आपको आप कुछ भी, मतलब जैसे आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स में अगर आपको बाहर से नहीं लेनी है तो आप ब्लैक चने होते हैं उसको रात को सोख करके रखें और मॉर्निंग में 1-2 सीटी लगा दें। जब भी आपको खाने हैं तो आप 1-2 सीटी लगाएं, वो बना लें, उसमें नींबू डाल दें, अनियन डालें, जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल है किचन में आप डालिए, आप थोड़ा मसाला डाल दिए, वो खाइए, वो टेस्टी भी बहुत होता है और हेल्दी भी बहुत होता है। सो इसके अलावा आप बनाना ले सकते हैं, किसी को होता है कोई फ्रूट से नहीं अच्छा लगता। सो बहुत सारे ऑप्शन हमारे किचन में होते हैं, आपको ज़रूरत नहीं, आपको मतलब कई लोग होते हैं ना, जैसे कईयों की मेंटालिटी होती है कि हमें डिब्बे नहीं खाने, हमें ये नहीं लेना, हमें प्रोटीन लेना, तो घर पे भी उतना ही प्रोटीन होता है। मैंने खुद से कुछ नहीं लिया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैंने अपने बेटे को डिलीवर करा था तो मेरा 85 kg वेट था, 85 kg बहुत होता है, तो बेटे होने के बाद मेरा 82 kg हो गया, 82 kg। तो मैंने रिस्ट वॉक स्टार्ट करी स्टार्टिंग डेज में, तो मेरी ना मतलब मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी थी तो मेरे से इतना वॉक नहीं होता था, मैं थक जाती थी, मेरी कैपेसिटी इतनी रही नहीं थी, सो मैं थक जाती थी। तो मैंने रिस्ट वॉक भी करी, उससे मेरा ज़्यादा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला, इतना ज़्यादा मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को 6 मंथ के लिए, सी सेक्शन हुआ था तो उन्होंने मेरे को 6 मंथ के लिए एक्सरसाइज वगैरह करने, जिम करने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला आप वॉक कर सकते हो, आप एक्सरसाइज मत करिए। मोस्टली डॉक्टर कहते हैं, शायद आपके भी डॉक्टर ने ये चीज़ बोली हो आपको, वो डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर और आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है। सो मैंने नहीं करा था। तो फिर जनवरी में मेरा बेटा 6 मंथ का हो गया था, मैंने फेब में स्टार्ट करी। तो जनवरी में हमारे पंजाब में क्या होता है, लोहड़ी होती है, तो मेरे को घर पे जाना था, सारे मेरे को देख रहे थे, मेरे हस्बैंड भी मेरे को छोटे हाथी बोल रहे थे। तो जब मैंने अपनी फोटोज़ में देखी ना, वो उस टाइम पे मेरे को पड़ा अपने आप में ना एक छटका सा लगा, कोई चीज़ होती है ना आपको हिट कर देती है कि ये अभी टाइम है, अभी आपको करना है। सो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मेरे को अपना वेट लूज करना है, एनी हाउ करना ही करना है। सो एक डेडिकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं है कि आज आपने वीडियो देख ली कि नहीं मेरे को भी बॉडी में आए फेम पूरा पतली होना ऐसे करना, तो नेक्स्ट टाइम नहीं नहीं हम थक गए हमसे नहीं हो रहा हम नहीं कर पाएंगे। सो ऐसा नहीं करना, आपको डेडिकेशन रखनी है अपनी लाइफ में, आपको सोचना है कि हमें फिट होना है, क्योंकि आप फिट होना आप कपड़े भी सूट करेंगे, आपको देखने वाले बोले यार ये लगती नहीं है ये, क्योंकि जब मैं पतली होगी मेरे को सारे बोलते हैं आपका लगता नहीं है कि आपका बेटा है, तो ये चीज़ सुनने में हमें स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। सो मैं चाहती हूँ आप भी ये चीज़ फील करो, आप भी खुश हो। तो जैसे बैक टू द टॉपिक, जैसे मैं बोल रही थी कि मैंने फिर फैब में स्टार्ट करा था वर्कआउट करना,
फैब में मैंने जिम ज्वाइन करी, हमारे पास में ही था जिम, तो मैंने जिम ज्वाइन करी अपने हस्बैंड के साथ, हम दोनों जाते थे। मेरे को बड़ा शर्म आती थी, मैंने जिम नहीं जाना, मैं बहुत मोटी हूँ। मैंने लूज़ लूज़ टी शर्ट्स लेनी शुरू कर दी कि हाँ यहाँ से तो नहीं दिख रहा, यहाँ से तो नहीं दिख रहा, तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। पर जितना लूज़ पहनोगे आप, पतले हो गए लूज़ पहनो तो भी अच्छा लगता है, मोटे हो तो और मोटे लगोगे आप लूज़ में। तो मैंने जिम को, मैंने सिर्फ पूरा, मेरे को लगता है मंथ मैंने करा था, उसके बाद आ गया मिस्टर कोविड। तो कोविड जी ने तो पूरी लाइफ की ऐसी कर दी। तो वो कोविड आने के बाद मैंने सोचा एक दो दिन रहेगा जिम बंद, उसके बाद ओपन हो जाए। वो बढ़ता ही गया एक दो महीना, तो छः महीने ऐसे जिम बंद रहा। तो मैंने सोचने लग पड़ी यार क्या करूँगी मैं, मैंने तो जिम स्टार्ट करा था। मेरे में ना अजीब सा चीज़ आ गई कि मेरा एक रूटीन बन गया था, मेरे को एक खुशी हो रही थी कि हाँ फटाफट शूज़ पहनो, चलो कपड़े पहनो, भागो, क्योंकि पूरा दिन बच्चे के साथ तो थोड़ा टाइम चाहिए होता था अपनी, अपने लिए भी, अपनी बॉडी के लिए भी। सो मेरे को थोड़ा सा उससे ना अजीब सी टेंशन सी होनी शुरू हो गई। तो फिर मैंने सोचा मैं घर पे ही करती हूँ, तो घर पे वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रही थी मेरे को कि घर पे करूँ, घर पे क्या ही करूँ। तो फिर भी थोड़ा बहुत मैंने वीडियोस वगैरह देखी, मैंने लोगों की जर्नी देखी, जो लोग मतलब इतने यहाँ से यहाँ तक आए हैं, सो वो मेरे को एक मोटिवेशन मिली। तो मैंने सोचा अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे घर पे स्टार्ट करा, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिक्स मंथ, विद इन सिक्स मंथ 30 kg लूज़ करा था। मैं फ़ोटो यहाँ कहाँ लगा दूँगी, आपको खुद हो जाएगा मैं ये हवा में तीर नहीं मारी कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने विद इन सिक्स मंथ, मैं अपने बेटे की फर्स्ट, जैसे वो जुलाई में सिक्स मंथ का हो गया था ना, तो मैं आपको फ़ोटो यहाँ पर शेयर कर दूँगी, आपको खुद ट्रस्ट हो जाएगा। तो मैंने यही चीज़ें, घर की डाइट लेनी शुरू करी, क्योंकि उस टाइम बाहर का बंद था बिल्कुल, तो घर का ही जो भी था, घर का ही खाना, घर का ही सब कुछ। तो संडे को हम चीट मील करना है, चीट डे नहीं करना हमें, कि चीट फुल डे चीट करना, फुल डे चीट डे नहीं करना हमें, चीट मील करना है। सो एक टाइम पे चीट मील करा, ये नहीं है कि हमने लंच पे भी चीट मील कर या ब्रेकफास्ट पे भी करा, डिनर पे भी करा, नहीं, या लंच करो या डिनर करो, एक बार करो। सो हाँ, तो ऐसा ही था। फिर मैंने ऐसे ऐसे अभी तक मेरे को 3 साल हो गया वर्कआउट करते, अभी मैं जस्ट अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ, मेरे को पतला नहीं होना, बस जितना है उसमें खुश रहना है। सो आपको ये सब कुछ बंद नहीं कर देना, आपको स्लोली स्लोली छोड़ना, कि कल को अगर आप कुछ मन भी करे तो आपका ये माइंड में ना हो कि यार मैंने शुरू कर दिया मैं फिर से ना मोटी हो जाऊँ, ऐसा ना। आपको मेंटेन करके रखना अपने आप को, आप एक डाइट चार्ट बना लीजिए अपने में, क्या क्या खाना क्या क्या नहीं खाना। सो हाँ, दैट्स इट, यही था, मैं आपके साथ 2-3 पॉइंट शेयर करना चाहती थी। इसी में मेरी थोड़ी वेट लूज जर्नी भी शेयर होगी, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सो वेडिंग सीज़न भी आ रहा है, हर किसी को पतला होना है, तो होना भी चाहिए, अच्छा है। मतलब ये नहीं है कि मोटा बंदा बुरा है, या मैं ये नहीं कह रही कि मोटा होना बुरा, बट अगर हेल्दी होने से आपकी बॉडी में डिफ़िकल्टी आ रही है, आपके बैक पेन हो रही है, आपके लेग्स में पेन हो रही है, आपसे काम नहीं हो रहा, तो वो टाइम है अपने आप को मेंटेन करने का। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, जैसे मेरे लिए उस टाइम पे था। मैं भी ऐसे ही, जैसे मैं भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ऐसे मैं भी सभी की वीडियो देखती थी, इंस्पायर होती थी, और मैं विश करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी होगी हो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पिंग रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में करें। सो प्लीज़ डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग मी। सो नेक्स्ट